लहू बोलता भी है। किताब के विमोचन के मौके पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा, हिंदू के लिए सच बोलना है बोलो, मुसलमान के लिए सच बोलना है बोलो, दलित के लिए सच बोलना है बोलो, अगर आप सच नहीं बोलोगे तो अल्लामा इकबाल की वो लाइनें याद आती है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां को। क्योंकि मुस्लिमों की एक कॉन्फ्रेंस थी इस्तेमाल की, लाखों मुसलमान वहां पर इकट्ठा हुए थे और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि सुनियोजित तरीके से वो गाय की काटने की घटना को अंजाम दिया गया एक दंगा फसाद कराने की नीयत से। यह हकीकत है और इसके दो प्रमाण दूंगा। जो एफआईआर दर्ज होती है बजरंग दल के संयोजक के तरफ से, उस एफआईआर में लिखा जाता है, योगेश राज एफआईआर लिखवाता है कि मैं सुबह 9 बजे अपने साथियों के साथ जंगल में गया था और वहां पर गाय काटी जा रही थी और उसमें 7 लोग शामिल थे और वो 7 नाम मुसलमान। और मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है कि उस 7 नामों में एक 10 साल का बच्चा, एक 11 साल का बच्चा, 6 लोग वहां रहते नहीं, एक आदमी 10 दिन से बाहर। यह पूरी सच्चाई। और उसके बाद आईडीएसके भगत की एक रिपोर्ट आती है, वो आईडीएसके भगत की रिपोर्ट कहती है ये जो गौ मांस काटा हुआ वहां पर मिला ये 48 घंटे पहले काटा गया था, यानी घटना बताई जा रही है 3 तारीख की और घटना अंजाम दी गई है रिपोर्ट के मुताबिक 1 दिसंबर। और वो लड़का लिखवा रहा है उन्माद फैलाने के लिए, दंगा कराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए कि हमारे सामने 3 तारीख को ये गाय काटने की घटना हुई। तो गहरी साजिश थी। और किन किस तरह के हमारे रहनुमा है, किन लोगों के हाथ में देश की सत्ता है कि 12 बजे रात तक बुलंदशहर की घटना को लेकर मीटिंग करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसमें सारे पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहते हैं, और उसके बाद जब वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो उसमें शहीद सुबोध सिंह के हत्यारों को पकड़ा जाएगा इसको लेकर एक लाइन नहीं लिखी जाती। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा ये प्रायोजित घटना थी जिसमें ये दंगा फसाद कराने की कोशिश थी। इन सवालों पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, अगर इन सवालों पर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या इस देश को जलते हुए देखने छोड़ देने की, जलता रहे, लोग कटते रहे, मरते रहे, गाय के नाम पर इंसान का कत्ल होता रहे? लेकिन ऐसी बातें पूरे देश में तमाम लोगों ने कही कि देश में नफरत फैलाना गलत है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस निकल के आते हैं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली घटना है, सर्वोच्च न्यायालय के 4 न्यायाधीशों ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, उनके ऊपर सवाल नहीं उठता है। लेकिन अभी यही बात नसीरुद्दीन शाह ने कह दी, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा कर रही है, पाकिस्तान तक चर्चा कर रही, दिन रात नसीरुद्दीन शाह हम लोगों के सामने भी लग। मैंने कहा भाई जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा वही संजय सिंह कह रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी मानती है और वही पूरे देश में लोगों की धारणा है, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। लेकिन आपको फिट कौन रखता है, नसीरुद्दीन शाह, क्योंकि उसके टाइटल में नसीरुद्दीन शाह, उसका नाम मुसलमान है इसलिए बहुत अच्छा है। चलो ये खबर भी गई हर टीवी चैनल पे वही चल रहा है, 4-4 घंटे बहस चल रही, अभी राम मंदिर पे बहस चल रही, और मीडिया की जो भूमिका है इस दौर में, मेरी बात पूरी लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, एक खतरनाक भूमिका मीडिया निभा रहा है समाज को तोड़ने में, समाज को बांटने में, समाज में नफरत फैलाने में, इसके लिए देश की मीडिया सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने बड़े भाई शहनवाज कादरी जी को कि ऐसे दौर में जब हर वक्त मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, समाज के वंचित लोगों के ऊपर,
शिक्षकों के ऊपर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बताओ तुमने इस राष्ट्र के लिए क्या किया, बताओ तुमने इस देश के लिए क्या किया, बताओ तुमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया। ये किताब छापकर आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है ये बताने के लिए कि हमने इस देश के लिए क्या किया है। हमारा भी लहू इस देश के लिए बहा है, हमने भी अपनी कुर्बानियां दी है, हमने भी त्याग किया है, हमने भी बलिदान किया है। इकबाल भाई आप भी खड़े हो जाइए।